वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल ओम एजुकेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पदार्थ क्या है। वह कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, पदार्थ या द्रव्य कहलाती है, मैटर कहलाती है, जैसे ईंट, पत्थर, हवा, पानी आदि। ये सभी चीज द्रव्य या मैटर हैं। आप जिस चेयर पे बैठे हैं और जो कप जिसमें हम चाय पीते हैं वो, और फास्ट फूड और हर तरह का खाना, जहाँ तक कि मानव बॉडी और सभी चीज़ें जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि, आपके चारों तरफ नज़र घुमाने पे जो भी चीज़ दिख रही है आपको, वो सभी द्रव्य है या पदार्थ है। जैसे कपड़ा, बैलून इत्यादि। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? पदार्थ की पांच अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से तीन मुख्य प्रचलित हैं। पहला नंबर है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, और सबसे लास्ट में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पांच अवस्थाएं होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित ये तीन हैं, जिनमें से ठोस है, द्रव है और गैस है। आप इमेज में देख सकते हैं कि ठोस में जो है सभी प्रकार जो उसके कण होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, दृढ़तापूर्वक बंधे हुए होते हैं और उनके स्थान में रिक्त स्थान कम होता है। द्रव के बीच में रिक्त स्थान थोड़ा अधिक होता है और उसके जो कण हैं वो दृढ़ता से बंधे हुए नहीं होते हैं। गैस के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा क्लोजली नहीं होते हैं। तो अब इसमें हम बात करते हैं ठोस अवस्था। पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता हो। द्रव्य पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है, जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, निकिल, कोबाल्ट इत्यादि। ये सभी जो ठोस अवस्था के उदाहरण हैं। आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं, जो भी आपको लगे कि इसका आकार और आयतन निश्चित है वो ठोस है। उसके बाद में आता है आपका लिक्विड अवस्था। लिक्विड अवस्था क्या है? मीन्स द्रव अवस्था। पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसका आकार और आयतन अनिश्चित हो। आकार तो अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो। जैसे आपको एक चित्र में दिखाया गया है, ये इस तरह की अवस्था है जिसमें आकार अनिश्चित है और आयतन निश्चित है। आपके चारों तरफ जितने भी लिक्विड हैं, जैसे दूध, पानी, ऑयल इत्यादि, वो सभी द्रव अवस्था में हैं। गैस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित रहते हों। पदार्थ की द्रव गैस अवस्था कहलाती है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हवा, एलपीजी गैस इत्यादि। फ्रेंड्स, ये कुछ पदार्थ जैसे ठोस, द्रव, गैस, उसके कुछ गुण दिए गए हैं। जैसे ठोस में निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, निश्चित इसमें कोई भाव नहीं होता है, कण अत्यंत पास पास होते हैं और संपीड्यता का गुण जो है वो बिल्कुल नगण्य है, आप इसे नहीं दबा सकते। पर द्रव में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित आयतन बहाव होता है और कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है, कुछ संपीड़न होता है, मतलब आप इसे कुछ दबा सकते हैं। द्रव में अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित आयतन होता है, बहाव होता है, कणों में बहुत रिक्त स्थान होता है, बहुत ज़्यादा संपीड़न होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।